नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर भिंड तहसील गोरमी से है। खबर का असर, प्रदेश के खाद आपूर्ति विभाग के प्रदेश सचिव का हुआ गोरमी तहसील की गल्ला मंडी परिसर में आज भ्रमण, जिन्होंने बारीकी से किसानों की समस्याओं को देखा और समस्या का समाधान करने की बात कही। जानकारी अनुसार मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान, मेहगांव विधायक माननीय मंत्री ओपीएस भदौरिया जी के द्वारा गल्ला मंडी शासकीय खरीदी पर हो रही ठगी के बयानों, किसानों के आरोप पर निष्पक्ष जांच कर कार्यवाही की मांग को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण की मांग की थी, जिस पर आज गल्ला मंडी परिसर पर खरीदी केंद्रों पर आ रही परेशानी का स्वयं निरीक्षण करने के लिए खाद आपूर्ति विभाग के प्रदेश सचिव फैज अहमद किदवई जी, जिला कलेक्टर वीरेंद्र सिंह रावत, जिला पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह मैं दलवल के शासकीय गल्ला मंडी गोरमी पहुंचे, जहां उन्होंने शासकीय खरीदी केंद्रों पर जायजा लिया और यह भी जाना कि आखिर क्या किस कारण किसानों की फसल को खरीद करने से रोका जा रहा है और काफी दिनों तक किसानों की खरीदी को रोका जा रहा है। प्रदेश सचिव ने यह भी बारीकी से देखा कि शासकीय मंडी परिसर में असुविधा भी दिखाई दी, साथ ही मंडी परिसरों में कैंटीन, हम्मालों, बारदाना, तोल काटा आदि की कमी भी खली है, लेकिन अभी कुछ खास स्पष्ट कार्यवाही की बात नहीं कही गई है। प्राइम न्यूज 24 के लिए ब्यूरो इमरान अली खान की रिपोर्ट। आज जिस तरह से गोरमी में आपका दौरा हुआ है तो किसानों को इससे कुछ राहत मिलेगी, जिस तरह किसान परेशान हो रहा है? बीच में थोड़ी बहुत बारदाने की दिक्कतें आई थी, वो दूर हो गई हैं तो अब, और खरीदी जो है वो तो 21 अक्टूबर से यहाँ शुरू कर दी गई थी, लेकिन चुनाव के कारण और इस वजह से ज़्यादा किसान उस समय आए नहीं थे, बाद में ज़्यादा किसान आ गए तो बीच में थोड़ा सा रश बढ़ा था। अब हमें नहीं लगता है कि कहीं पर बहुत ज़्यादा वेटिंग है या किसान को इंतज़ार करना पड़ रहा है, खरीदी बड़ी सुगमता से हो जा रही है। किसानों का कहना था कि उनको जो तारीख दी गई उस तारीख में उनकी खरीदी नहीं हुई, इस वजह से वो परेशान होकर और यहाँ आकर जाम में फंस गए। आप खुद देख रहे हो, कोई बहुत जाम तो यहाँ लगा नहीं है और जो तारीख दी गई थी, मैं यही कह रहा हूँ, जब चुनाव के टाइम तो बहुत कम किसान आए, जो मैसेज गए उस टाइम आए ही नहीं लोग, चुनाव के बाद एकदम से बहुत लोग आ गए, उस वजह से थोड़ा सा दिक्कत बढ़ गई थी, अब ठीक हो गई। किसानों को जिस तरह से सर इसमें भुगतान की उस प्रक्रिया में कुछ देर हो रही है, भुगतान की प्रक्रिया में देर हो रही है, उसको ठीक किया जा रहा है, इस हफ्ते तक की सारे भुगतान हो जाएंगे। सर आज भी बारदाने की कुछ दिक्कत थी, यहाँ से किसान लौट कर गए हैं यहाँ सुबह। बारदाने जो है वो आप देखो, जो अनुमान था खरीदी का उससे बहुत ज़्यादा खरीदी हर ज़िले में लगभग हो रही है, प्रदेश में हो रही है। अनुमान पहले 50,000 टन का था बाजरे का, दाम में जो अंतर है तो आज की तारीख तक की पूरे प्रदेश में करीब 1.5 लाख टन तो खरीदी हो चुकी है, तो जो अनुमान था उससे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा खरीदी हो रही है, तो थोड़ी सी व्यवस्था बनाने में समय लगता है, क्योंकि उस समय उसी अनुमान के हिसाब से व्यवस्थाएँ बनाई गई थी। धन्यवाद। तो